I said to my father, I am going to arts, humanities मुझे पढ़ना है. लेकिन बोला नहीं, उसके बाद तुमको साइंस पढ़ना है. फर्स्ट डिविजन तो मिला है तो go for science. नहीं तो even funding will be stopped. तो उपाय नहीं, funding पैसा नहीं मिलेगा. पैसा नहीं मिलेगा. So then somehow yes, class 11 and 12 I continued in science. उसके बाद then I decided नहीं, मुझे और आगे नहीं जाना है, because I won't be able to pass, at least BSc में मैं sure I'm going to fail. So then I came down to humanities, but problem was there कि जो सर बोल रहे थे freedom के बाद, career freedom. Of course, couple of my friends, they became doctors, they became engineers, either BCA or BSc, most of them. 90% were in science, only few were in humanities. So like that parents pressure. तो पापा को कोई आके पूछते आपका बेटा क्या कर रहा है, जब बोल रहे बीए पढ़ रहा है तो थोड़ा सा हट जाता है. तो लोगों को तो बीएससी पढ़ना चाहिए, बीसीए, उस टाइम बीसीए बहुत चल रहा था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. नहीं, वो तो बीए कर रहे हैं, ये क्या करेगा जिंदगी भर, कुछ नहीं कर पाएगा. तो दैट वॉज अ फाइट आई हैड लाइक इनिशियली. कितने युवाओं को अब तक आप काउंसलिंग कर चुके हैं सर? काउंटिंग में माई काउंट हैज गॉट मोर देन 40,000 सो फार. ओह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए, आप में से कोई सवाल पूछेंगे मिस्टर बरुआ से? व्हेन समवन इज देयर लाइक आई डू समथिंग स्पेशल, ओके, देन योर पेरेंट्स और समवन सेज दैट ये सब क्या कर रहे हो, ये तो मतलब दुनिया क्या कहेंगे, मतलब रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मतलब उनका क्या जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मुझे यही गुस्सा आता है. अरे मैं जो कर रहा हूँ मेरे को करने के लिए क्यों नहीं दे रहे? तो ये चेंज कैसे लाया जाए? ये चेंज कैसे लाया जाए बताइए. सिंपल में मैं तो बोलूंगा, तुम बोलोगे दुनिया जाए बाहर पे, मुझे आगे बढ़ना है. बेस्ट थिंग, एंड इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट. इन लाइक फ्यू ईयर्स बैक वी डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजी, हम लोग के पास वो प्रोजेक्ट नहीं थे उतना कि वी कुड गॉट इन्फॉर्मेशन. नाउ इट इज एटलीस्ट वी हैव द टूल्स वी हैव, सो वी कैन सी, वी कैन इवन गेट अ डिजिटल एक्सपोजर, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. बट इफ़ यू हैव द फ्रीडम विद इन माई सेल्फ, इफ आई हैव फेथ ऑन माई सेल्फ दैट आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो दुनिया को उतना जुनून हम लोग का जो फिल्म में हम लोग थ्री इडियट्स में देखते हैं, जो वट एवर आई वॉन्ट टू डू, जो मुझे अचीव करना है, आई थिंक अगर सही सभी लोग थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे और अपना जुनून को कंटिन्यू करना है, एटलीस्ट मॉनिटरली वी कैन मेजर हु इज रिच.